जब मैं स्कूल के टाइम पे मुझे बहुत लोगों ने बॉडी शेम किया. अच्छा, तो बट यू आर लुकिंग परफेक्ट यार. यार ये तो आज की कहानी है ना. एक्सक्यूज मी, हाय. हाय, आर यू वेटिंग फॉर समवन? यस, आई हैव अ मीटिंग. ओ, आया नहीं यार कोई. काफी देर से देख रहा हूँ मैं, आप यू कंटिन्यूअसली उधर ही देख रहे हो. लेट हो गए. कभी इधर भी बैठे थे, कभी उधर भी बैठे थे. हाँ, शायद लेट हो गए. नो, यू आर सो प्रीटी यार. थैंक यू. I saw you from there. तो एकदम से ना मतलब माइंड मत करना. मतलब यू आर माय क्रश. अभी अभी जस्ट. थैंक यू. पर्सनालिटी बहुत प्यारी है आपकी. ओह रियली? वेयर आर यू फ्रॉम? नियर बाय सी. अच्छा, दिल्ली से ही हो? नहीं, आपको क्यों बताऊं? ओके, नहीं आजकल ना दिल्ली में देखी नहीं मैंने कि इतनी प्यारी और टॉल लड़कियां कम है. मतलब क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा लग रहा है कि तू सिर्फ फ्रॉम पंजाब. पंजाबी होते हैं ना एकदम लंबे चौड़े. पंजाबी तो हूँ मैं. पंजाबी हो? हाँ. यार देखो मैंने कितना सही गैस किया. दिमाग अच्छा है मेरा. ओह नाइस. वेल एक बात बताओ यार, आप सिंगल हो कमिटेड हो? आपको क्या लगता है? मुझे यार देखो जैसे मैं आपको देख रहा हूँ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कि शायद कमिटेड हो गए, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा एक चांस मारने की. मतलब करना चाहिए ना. कैरी ऑन. कैरी ऑन? टांग खींच रही हो मेरी. क्या रही हो? सिंगल हो आप? हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मैं आपको क्यों बताऊं? यार मैं तो पता है ये सोच के आया था. देखो मैं तो ये सोच के आया था कि मतलब यार देखो जैसे मेरा क्रश आपके ऊपर आ गया, अगर मैंने बात नहीं करी तो मैं जिंदगी भर अपने आप को कोसता रहूंगा. तो मैंने कहा थोड़ी सी हिम्मत करके चल बात कर ले. मैंने कहा लड़की मैच कर रही है. मैंने कहा देखिए ब्लैक 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 एंड ग्रे ब्लैक एंड ग्रे ब्लैक शूज है ना, ब्लैक वॉच ब्लैक बैग. मतलब चॉइस तो सेम है, तो क्या पता कहीं ना कहीं थिंकिंग सेम हो, और जब थिंकिंग सेम हो हम लोग मिल जाएंगे तो लाइफ भी सेट हो जाएगी. हाँ देखो यार, ये कपड़ों की बात रही, सेम कपड़े हैं, पर लाइफ में ना अलग अलग सर्कमस्टेंसेस आते हैं. okay. और हम दिन में 50-100 पता नहीं कितने कितने लोगों से मिलते हैं. oh. और एट द सेम टाइम ज़रूरी नहीं है कि अगर पर्सनैलिटी मिल रही है तो दिल भी मिल रहा है. तो मैं दिल, देखो पर्सनैलिटी ना दूर से मिल रही थी तो मैंने सोचा दिल मिलाने के लिए पास जाना चाहिए. ओहो, इसलिए मैं आपके पास में आया. आपको क्या लगता है पास आने से मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो जाता है? मैं तो अट्रैक्ट हुआ हूँ ना उस मैग्नेटिक अट्रैक्शन से. और वैसे भी ऑपोजिट अट्रैक्ट करता है. और आप तो कह रहे हो कि हम सेम सेम हैं. सेम मतलब चॉइस सेम है ना ड्रेसिंग सेंस की. तो मुझे लगा कि शायद हमारी जो दिमाग की होगी वो भी सेम हो जाएगी, कहीं ना कहीं दिल की बातें होंगी वो भी सेम हो जाएंगी. हो सकता है ना. व्हाट्स योर नेम यार? इट्स चंकिता. ओह चंकिता, चंकिता माय नेम इज यश. हाय. हाय. कैसे हो आप? मैं बढ़िया. यार आप हर चीज को पॉजिटिव रिप्लाई कर रहे हो. क्योंकि मैं लाइफ में पॉजिटिव ही हूं ना यार. बी एंड बी पॉजिटिव. बस बी पॉजिटिव. एक ही चीज थी जिसको पॉजिटिव नहीं होना चाहिए था, कोविड. वही एक ऐसी रिपोर्ट थी जो पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए थी. नहीं तो बंदा हर चीज में पॉजिटिव होना बहुत जरूरी होता है. कोविड का तो मत ही बोलो यार, कोविड ने तो बहुत कुछ सिखाया है. लोगों की एम्प्लॉयमेंट छीन ली, उनसे काम वगैरह छीन लिया, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ फेस करना पड़ा. कोविड में मैंने भी बहुत कुछ फेस किया है. आई लॉस्ट माय मॉम. खैर कोई नहीं, 2021 में हुआ था तो इट्स ओके. लास्ट ईयर तो लास्ट ईयर कोविड नहीं था, बट उन्होंने मतलब काफ़ी सेटबैक फेस किए बिकॉज ऑफ कोविड. अच्छा. और फिर बहुत परेशान रहने लगे चीज़ों को लेके. बिजनेस पर्सन थे क्या? हाँ बिजनेसमैन थे. क्योंकि अब बिजनेस मैन जो भी थे उनको जो लॉसेज ज़्यादा हुए हैं. जॉब वालों का क्या था कि जॉब के तो मिलती रहती थी, सैलरी हाफ आई थी लोगों की. पता नहीं उनको क्या हुआ, एकदम से 6-7 महीने पहले ही फास्ट चले. उनकी एज भी नहीं थी उनकी. कितने की थे? 58. 58 यार. ओके सॉरी. अब सोच रहा हूँ कि मैं जो मैं कर रहा था क्या मुझे वो करना चाहिए या नहीं. क्योंकि मेरा जो दर्द था वो मुझे लगता था कि आज तक ठंडा नहीं हुआ, फिर आपका तो बिल्कुल नया नया है. कब हुई थी उनकी लास्ट ईयर डेथ? जुलाई में. 23 जुलाई. जुलाई में. ओके. आर यू कमिटेड? कमिटेड तो हूँ. कमिटेड. ओके. अब मैं क्या बोलूँ आपको. यही होता है कि कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना कि हम बोल नहीं पाते हैं. फ्रेंड भी नहीं बनाते लोग आप? फ्रेंड तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेंड बनो यार. बट फिलहाल के लिए मैं लिंक्स बनाने का ट्राई कर रही हूँ. लिंक्स मतलब?
लिंक्स मतलब बिजनेस से रिलेटेड लिंक्स, ताकि मैं ग्रो कर सकूँ लाइफ में. ओके. हाँ, मुझे ग्रो करना है लाइफ में. हाँ तो फिर, लेकिन रही बात आपकी, तो अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, एंड डेफिनेटली मेरे दोस्त तो इतने कुछ खास हैं नहीं, मैं क्वालिटी में बिलीव करती हूँ, तो मेरे गिने चुने दो चार दोस्त हैं. तो अगर आपको दोस्त भी बनना है तो ऐसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार, बस मुझे इतना चाहिए मेरा दोस्त सपोर्टिव होना चाहिए. अच्छा, सपोर्टेबल हो. या क्यों, पुराने वाले दोस्तों ने सपोर्ट नहीं किया क्या? यार काफ़ी कुछ हुआ है मेरे साथ लाइफ में ना. थोड़ा सा बताओ. जब मैं स्कूल के टाइम पे, मुझे बहुत लोगों ने बॉडी शेम किया. अच्छा. तो बट यू आर लुकिंग परफेक्ट यार. यार ये तो आज की कहानी है ना. अच्छा. इसकी पहली कहानी आपको क्या पता, आप तो आज मिले हो. हाँ नाइस यार, बातें अच्छी करती हो तुम. क्या कर रहे हो आप, स्टडी करते हो? हाँ, मैं लॉ स्टूडेंट. ओह, लॉ स्टूडेंट, तभी इतना बातों का मीनिंग पता है आपको अच्छे से, कैसे बात करनी है. जिंदगी का मायना ना समझ आ जाता है. आपने क्या नाम बताया था? यश. यश, यश टाइम के साथ ना जिंदगी का मीनिंग समझ आ जाता है. जिंदगी है ही ऐसी, आपके लिए यहाँ पे कोई करेगा कुछ नहीं. जब मेरे फादर गुजरे तो किसी ने कुछ करा नहीं मेरे लिए. ओके. मैं खुद से उठी हूँ. एक दो लोग थे मेरे साथ खड़े थे, मेरी मम्मा और मेरी ताई, और कोई नहीं. किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं करा. लोग नाम के लिए बोल जाते थे, हाँ है ना, हमें फ़ोन कर देना, कोई दिक्कत हो बता देना. पर जब एक्चुअली में मैं उनको रीच आउट किया चीज़ों को लेकर, तो कोई हेल्प नहीं करा मेरी. खुद से धीरे धीरे मैं स्टैंड हो रही हूँ. धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि उस मुकाम तक पहुँच सकूँ जिस मुकाम तक मेरे पापा चाहते हैं मुझे कि मैं पहुँचूँ. ओके. चाहते थे कि मैं जज बनूँ. ओके. मैं उसके लिए मेहनत कर रही हूँ स्टडी के लिए. लॉ स्टूडेंट. अच्छा, हाँ हो जाएगा. साइड में बहुत चीज़ें भी कर रही हूँ, फ्रीलांसिंग, जिससे मैं. तो अभी ज़्यादा दोस्त हैं या कम दोस्त हैं? कम दोस्त हैं, लेकिन जो हैं बहुत बढ़िया. एंड इफ आई डोंट माइंड, अगर आप भी उनमें से एक दोस्त बनो तो अच्छा. नहीं हाँ ठीक है, बट मैं, मेरी इंटेंशन कुछ और थी, बट मैं क्लियर कर देता हूँ. माय नेम इज यश चौधरी और आई एम डूइंग अ प्रैंक. मतलब मैं प्रैंक करने आया था यहाँ पे. सी माय कैमरा इज देयर. तो ये मेरा काम है, मतलब और माइंड मत करना यार. हाँ ना, मैं बस ऐसे ही, यही मेरा काम है कि लोगों के पास जाओ, उनको हंसाओ, थोड़े से फ्लर्ट कर लो, बातचीत कर लो, यही मेरा काम है. आप अच्छा फ्लर्ट करते हो. अच्छा, फ्लर्ट अच्छा था. अच्छा. नहीं वैसे चॉइस सेम थी, बट यार आप कमिटेड हो तो मैं नहीं बोलूँगा आपको. कमिटेड तो हूँ यार. नहीं नहीं, मेरा दिल हरामी है, मैं सबसे प्यार करने लगता हूँ, मेरे ऊपर मत जाना. लेकिन मैं सिर्फ एक से प्यार करती हूँ. हाँ रियली नाइस यार. मैं तुम्हें कॉफ़ी के लिए भी नहीं बोलूँगा पता है, वरना मेरा जिनके साथ शूट ओवर हो जाता है ना, मैं उनसे बोलता हूँ कि यार कॉफ़ी पीनी है, फिर हम उन्हें पिलाते हैं. Okay. तो आने वाले हैं, इस कमिंग उन्हीं का वेट कर रहे हो या कोई मीटिंग है प्रोफेशनल आपकी? हाँ, प्रोफेशनल मीटिंग थी वैसे तो मेरी एक्चुअली. बॉयफ्रेंड नहीं आ रहा है अभी? बॉयफ्रेंड नहीं आ रहा है, मतलब प्रोफेशनल मीटिंग थी. बॉयफ्रेंड का नाम बताओगे क्या? अभिषेक. ओ भाई, इतनी हिम्मत ना हर किसी में नहीं होती है यार. अभिषेक भाई, यू आर सो लक्की यार. अभिषेक भाई बुरा ना मानो, तो मैं आपकी गर्लफ्रेंड को कॉफ़ी पे ले जाऊँ क्या? देखो वो कितनी लॉयल है, आप ट्रस्ट तो करते ही हो ना. तो मीटिंग वाले कब आएंगे आपके? बस आने वाले 5-7 मिनट में ना. तो हमें कॉफ़ी पीनी चाहिए क्या? आई थिंक यस वी शुड. तो वो कॉल कर लेंगे ना. हाँ. और बाकी मैं आपका दोस्त रहना चाहूँगा, क्योंकि मोटिवेशनल इंसान जो खुद मोटिवेट रहता है ना, वो दूसरों को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है. तो यार सल्यूट है भाई आपको, आप लड़की हो क्या ऐसा सोचती हो? लेकिन आपका पूरा नाम क्या है? यश चौधरी, चैनल नेम इज आल्सो यश चौधरी. ओके ओके, मेरी एक फ्रेंड ने बताया था मुझे आपके बारे में. अच्छा, कि मैं पार्क में मिलूंगा. नहीं दिया कि वही यश चौधरी. नहीं मैं वैसे ही हूँ यार, मैं एक्सीडेंट के बाद से थोड़ा वीक हो गया हूँ. और मेरी फ्रेंड ये भी बता रही थी कि आपके काफी मिलियन फॉलोअर्स हैं. नहीं नहीं, ज्यादा नहीं है, 2 मिलियन ही हैं बस. 2 मिलियन कम थोड़ी ना होते हैं. नहीं बस यही काम है, मेहनत कर रहे हैं. नहीं नहीं यार, मेहनत करते चलो. आई होप आपकी मदर भी आपको ऊपर से देखेंगे तो काफी प्राउड फील करेंगे. उन्हीं के लिए करता हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है, उन्होंने ही मुझे यूट्यूबर बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी कभी. तो अब मैं सोचता हूँ कि अगर अब उन्होंने जो मेहनत मुझ पर की, इसे ख़राब नहीं होने दूंगा. करते रहना है काम, करते रहना है. डेफिनेटली होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए लाइफ में, क्योंकि अगर इंसान एम्बिशियस होगा सो ही कैन अचीव ग्रेटर हाइट्स इन लाइफ. एंड एट द सेम टाइम तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है यार. सही बात, तुम्हारे बिल्स पे करे, तुम खुद से अपने बिल्स पे कर सकते हो. तो अभी जब आप कॉफी पे जाते हो अभिषेक के साथ, तो बिल कौन देता है? एक्चुअली
दोनों दे देते हैं, कभी वो दे देते हैं कभी मैं दे देती हूँ, पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रेफर करते हैं वो दें। हाँ सही है, क्योंकि जो लड़की एकदम कैमरे पे बता रही है कि उसके बंदे का नाम अभिषेक है, तो उनकी थिंकिंग थोड़ी कहीं अलग ही लेवल की होगी यार। ज़्यादातर होते नहीं है पता है। मुझे अच्छा लगेगा, मैं खुद को बहुत लक्की फील करूंगा मैं आपके साथ कॉफ़ी पी रहा हूँ। एक पल के लिए तो मुझे लगेगा मैं किसी और की गर्लफ्रेंड के साथ पी रहा हूँ, ये प्राउड काफ़ी है मेरे लिए। चले गए यार, उनको भी बुला लेते हैं। बुला लेना, कोई दिक्कत नहीं है, एनी टाइम यार। ओके आ जाओ यार, हम कॉफ़ी पीते हैं। बाकी मुझे अच्छा लगा इनके साथ में, मैं लाइन नहीं मारूंगा अभिषेक भाई आपके बंदे के ऊपर।